कोरोना के चलते 120 वर्ष बाद आज नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। मुहर्रम के अलाव पर भी लगा कोरोना का कहर। आज के दिन मुस्लिमों के त्योहार मुहर्रम के समय इस इमामबाड़ों में रहती थी हजारों लोगों की भीड़, लेकिन आज इमामबाड़े पड़े हैं सूने। आस्था पर भारी पड़ रहा है कोरोना वायरस। हमीरपुर में कोरोना वायरस की वजह से त्योहार फीके पड़ रहे हैं, तो वहीं किसी भी धर्म के त्योहार हों उनकी रौनक भी खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि मुहर्रम के महीने को मुस्लिम नए साल के रूप में मनाते हैं और यहीं से मुस्लिमों का नया वर्ष भी शुरू होता है। आज ही के दिन मुस्लिमों के पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे खैमे के साथ यजीद से जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने आज के दिन दीन के खातिर अपने पूरे कबीले सहित शहादत दी थी, यानी कि उनको यजीद ने करबला के मैदान में जंग में शहीद कर दिया था, जिसको लेकर हजारों सालों से मुस्लिम यह त्योहार मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। जगह जगह मुस्लिम इमामबाड़े में ताजिए तैयार किए जाते हैं और उनकी जियारत होती है। ताजियों को गश्त भी किया जाता है। मुस्लिम लोग बड़े बड़े आग के आला लगाकर उसमें आस्था की डुबकी यानी कि अकीदत के साथ उतर कर आग को हवा में उछालते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जहां ईद बकरीद और अन्य त्योहार नहीं मनाए गए, सरकार ने भीड़ इकट्ठा न हो इस कारण इन त्योहारों पर पाबंदी लगाई थी। उसी तरह इस वर्ष मुहर्रम में ना तो ताजिए बनाए गए हैं और ना ही कहीं अलाव खेला गया। आपको बता दें कि मुस्लिम लोग जगह जगह पर अलाव भी खेलते थे, जिसमें कई कुंटल लकड़ी डालकर आग जलाई जाती थी और उसमें लोग अपनी आस्था के साथ उतर जाते थे। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिससे मुस्लिम समुदाय में मायूसी छाई हुई है और इसकी वजह कोरोना महामारी है, जिसने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा है और यह कोरोना महामारी आस्था पर भी भारी पड़ रही है।